हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं कि गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड 680 रुपये पर क्लोजिंग दिया है। ये लगभग 20% ऊपर चढ़ करके बंद हुआ है और आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड जो कि इतनी तेजी के साथ ऊपरी स्तरों पर जा करके बंद हुआ है, ये किस प्रकार का स्टॉक है, ये कंपनी क्या करती है और आने वाले दिनों में क्या इसकी तेजी जारी रह सकती है या ये यहाँ से वापस करेक्शन में चला जाएगा, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देखेंगे कि बड़े निवेशकों का किस प्रकार का रुझान है और इसके फिनेंशियल ओवरव्यू को भी चेक करेंगे। पास्ट में ये कंपनी किस प्रकार का रिजल्ट लेकर के आई है उसको भी चेक करेंगे। अभी तक इसने अपने निवेशकों को किस प्रकार का रिटर्न दिया है उसे भी हम लोग चेक करेंगे और फाइनली हम लोग ये चेक करेंगे टेक्निकल चार्ट पर कि आने वाले दिनों में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड का शेयर भाव किस प्रकार से बदल सकता है, ये तेजी दिखा सकता है या मंदी दिखा सकता है, उन सारी बातों की चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड ने एक नोटिस सर्व किया है BSE को, जिसमें कि इन्होंने अपने रिजल्ट की डेट की यानी Q1 के रिजल्ट की डेट की घोषणा कर दी है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 12 अगस्त को ये अपना रिजल्ट Q1 का पेश करने वाली है और इसी न्यूज के चलते इसमें काफी तेजी बनते हुए दिख रही है। तो दोस्तों, अब हम लोग इसके फंडामेंटल्स ओवरव्यू को चेक कर लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स किस प्रकार के हैं। दोस्तों, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड लुब्रिकेंट्स बनाती है ऑटोमोबाइल और नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए और उनकी जो डिटेल्स जानकारी है आप इनके वेबसाइट में जाकर के ले सकते हैं। और अगर हम लोग इसके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो इसका मार्केट कैप लगभग 2800 करोड़ रुपये के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये लगभग 34% है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और अगर दोस्तों हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये 34% है जो कि और भी बेहतरीन है दोस्तों। और अगर हम लोग इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो ये लगभग 12 times है जो कि काफ़ी अच्छा है। डेब्ट इक्विटी भी जो है 0.49 है, ये भी कुल मिला करके अच्छा है। और अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर लगभग 72% स्टैक इसमें होल्ड किए हुए हैं और ये स्टॉक जो है इसका 52-week high 904 रुपये के आसपास है। और अभी हम लोगों ने देखा कि गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड 600 के ऊपर के स्तर पर जाकर के 20% की तेजी के साथ बंद हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये शेयर जो है अपने 52-week high से कुछ 100 रुपये 150 रुपये ही अब नीचे रहा है। तो हम लोग दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें तेजी क्यों बन रही है और अगर तेजी बन रही है तो क्या आगे भी जारी रहेगी, इन सब बातों को हम लोग चेक करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग पा रहे हैं दोस्तों कि इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम लोग दोस्तों अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं कि बड़े निवेशकों का इस स्टॉक में किस प्रकार का रुझान है, वहाँ से भी हम लोगों को कुछ इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक करते हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड में लगभग 72.3% लगातार बनी हुई है। और अगर हम लोग दोस्तों FIs होल्डिंग की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि FIs की होल्डिंग जो है
इस स्टॉक में लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और वर्तमान में यह लगभग 12% के आसपास FIs को होल्डिंग दर्शा रहा है। और अगर हम लोग DIs के होल्डिंग की बात करें तो DIs भी इसमें लगातार बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने भी अपना स्टैक लगातार इस स्टॉक में बढ़ाया है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि FIs और DIs दोनों इस स्टॉक में बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस स्टॉक के फंडामेंटल्स, जैसा कि अभी हम लोग ने ओवरव्यू में पाया था कि अच्छे लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक अच्छा करने वाला है। इस वजह से बड़े निवेशक भी इसमें अपना स्टॉक लगातार बढ़ाते हुए पाए जा रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों किसी भी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले हम लोग अपने भी स्तर पर इसके पास्ट के रिजल्ट को देख करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास्ट के रिजल्ट किस प्रकार के रहे हैं और इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को अभी तक का किस प्रकार का रिटर्न दिया है, उसको भी हम लोग चेक करके ही हम लोग अपनी कोई धारणा बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके पास्ट के रिटर्न को देख लेते हैं और इनके पास्ट के रिजल्ट को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगस्त 2014 में ये स्टॉक जो है काफी निम्नतम स्तरों पर था और ये उस समय लगभग 250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी जो है अभी अभी हम लोगों ने देखा है 600 से ऊपर के स्तरों पर निकला है। इसके पहले दोस्तों ये जब मार्केट जब बुलंदियों पर था तो ये फरवरी 2018 में ये लगभग 1000 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, उसके बाद इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और अब जा करके इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। फिर भी दोस्तों जो लंबे समय से इसमें निवेशित हैं यानी 2014 से, वो इन्वेस्टर अभी भी काफ़ी अच्छा डबल के मुनाफे पर अभी बैठे हुए हैं। तो पिछले 6 साल में अगर कहा जाए तो 6 साल में अगर ये डबल से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इतने गिरावट के बाद भी, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और जिस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि बड़े निवेशक अब इसमें काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका रिजल्ट अब किस प्रकार का रहा है अभी तक का, उसको भी हम लोग चेक करके ही अपनी राय आगे की बनाएंगे और उसके आधार पर हम लोग तय करेंगे कि आने वाले दिनों में इसका प्राइस ट्रेंड किस प्रकार का रह सकता है। तो चलिए दोस्तों इसके रिजल्ट को हम लोग चेक करते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि FY15 में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट 967 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि हर साल ये लगातार बढ़ता गया है और FY20 में इनका सेल्स जो है बढ़ करके 1644 करोड़ का हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि इनका जो सेल्स में जंप देखने को मिल रहा है वो लगभग 2 गुने के आसपास देखने को मिल रहा है, 2 गुने से हल्का कम है, 2 गुना हम लोग इसको मान सकते हैं कि 2 गुने के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन सेम पीरियड में अगर हम लोग दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY15 में ये 77 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती थी, जो कि FY20 में ये बढ़ करके 203 करोड़ का हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि इनके प्रॉफिट में जो है तकरीबन 3 गुना का जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पा रहे हैं दोस्तों कि इनका जो सेल्स ग्रोथ हुआ है 2 गुना हुआ है, जबकि नेट प्रॉफिट का ग्रोथ 3 गुना के आसपास रहा है। और सेम पीरियड में अगर दोस्तों हम लोग इंटरेस्ट बर्डन की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो FY15 में 18 करोड़ था, जो कि बीच में घटता हुआ मिला है। उसके बाद से दोस्तों FY20 में ये बढ़ करके 25 करोड़ हुआ है। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ये 287 करोड़ के आसपास है। इस हिसाब से दोस्तों इनका जो इंटरेस्ट बर्डन है ये साफ लग रहा है कि ये कंपनी जो है अपने इंटरेस्ट बर्डन को मीट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम दिख रही है और इनके नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं कि इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये कंपनी जो है अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे ढंग से
कर पाने में सक्षम है, और ये न केवल अपने सेल्स ग्रोथ को बढ़ा रही है बल्कि नेट प्रॉफिट को भी काफ़ी अच्छे ढंग से मल्टीप्लाई कर रही है। और सेम चीज़ अगर हम लोग देखें दोस्तों कि मार्च 15 में इनका EPS करीब 14.5 रुपये के आसपास था, जो कि FY20 में बढ़ करके लगभग 41 रुपये के आसपास हो गया है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि दोस्तों कि ये कंपनी अपने बिजनेस को कर पाने में पूरी तरह सक्षम है, और ये काफ़ी अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को रन कर पा रही है और ये प्रॉफिट निकाल पा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक पाया कि ये गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स लिमिटेड के बिजनेस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट और भी अच्छे रह सकते हैं, और यही वजह है कि दोस्तों कि बड़े निवेशकों ने अपना स्टैक इसमें लगातार बढ़ाते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो अब दोस्तों अब हम लोग टेक्निकली इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट इंडिया लिमिटेड का शेयर भाव किस प्रकार से वैरी कर सकता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड 678 रुपीज पर क्लोजिंग दिया है, और इसका जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो लगभग 694 रुपये के आसपास है, और ये उस रेजिस्टेंस के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। और जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा कि इसमें 20% की लगभग तेजी हो चुकी है, और यह अभी अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया है, लेकिन जिस प्रकार के फंडामेंटल्स इसके देखने को मिल रहे हैं हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपनी जो 12 अगस्त को रिजल्ट लेकर के आने वाली है उसमें इसके रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों चूंकि 20% का उछाल इस स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है, तो ये स्टॉक जो है उन निवेशकों के लिए नहीं है जिनके हार्ट कमजोर हैं। यहाँ पर उन डेयर डेविल लोगों की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर भी पोजीशन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों अगर जो डेयर डेविल हैं वो इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं, और लेकिन जिन्हें और भी कंफर्म होना है ट्रेंड का कि इनका ट्रेंड रिवर्सल हुआ है कि नहीं, वो 700 के स्तर का इंतजार उनको करना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक 700 के स्तर को पार करता है उसके बाद वो पोजीशन बनाते हैं, तो इस स्टॉक में काफ़ी तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, और यह जो तेजी रहेगी ये इसको पूर्व की जो ऊंचाइयां हैं 1000 का स्तर वहां तक ले जा सकती है। लेकिन चूंकि दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें ऑलरेडी 20% की तेजी हो चुकी है, तो ऐसे निवेशक जिनके हार्ट कमजोर हैं वो इसमें पोजीशन ना बनाए, लेकिन जो लंबी रिस्क लेना चाहते हैं तो ये स्टॉक उन लोगों के लिए ही है, उन निवेशकों के लिए है जो कि इसमें काफ़ी रिस्क ले सकते हैं। अब मेरे हिसाब से इसमें रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं दिख रहा है, आने वाले दिनों में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। फिर भी दोस्तों ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप कोई भी व्यू बनाने से पहले आप अपने सामर्थ्य को जरूर टेस्ट कर लें, अपने रिस्क को कितना आप रिस्क बियर कर सकते हैं उसको आप जरूर ध्यान में रखें। तो दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए लगातार छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ, और उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।